नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में। आज हम फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं टेंस की सीरीज़। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टेंस के बारे में। टेंस का पहला वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था टेंस के कुछ बेसिक रूल्स। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा चार्ट आ रहा होगा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, उस चार्ट को एक बार आप देख लीजिए। तो चलिए एक बार हम रिकॉल करते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस थ्री टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी चार सब कैटेगरीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो पहले होते हैं इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टीन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इस प्रकार से, और चौथा होता है परफेक्ट। तो ये चार सब कैटेगरीज हमने पिछले टेंस में पढ़े थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के पहले सब कैटेगरीज के बारे में, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम स्टेप बाय स्टेप हर टेंस को समझेंगे। इसका पूरा 13 वीडियो लेक्चर होगा और जिसमें मैं हर एक टाइप को, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस के हर एक टाइप को अलग अलग वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा और अच्छे तरीके से मैं डिटेल में कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ पर हम पहला जो टेंस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, तीन पैटर्न पे आता है, तीन सेंटेंसेस आते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिस सेंटेंस में नो या नॉट नहीं होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है। एक नॉर्मल सेंटेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि वह खा रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये सभी क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सेंटेंसेस में ना तो निगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, ना तो फिर इंट्रोगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो हम कैसे, अब पहला पॉइंट है कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि सर हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का जब क्वेश्चन आएगा सेंटेंस में तो कैसे पहचानेंगे। तो बड़ा ही आसान तरीका है, जब सेंटेंस के लास्ट में होगा ता, ती या फिर ते, तो वो कौन सा टेंस का क्वेश्चन है? वो प्रेजेंट इंडिफरेंट का क्वेश्चन है। तो वैसे सेंटेंसेस को हम किस पैटर्न पे बनाते हैं, क्या है उसका स्ट्रक्चर, वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, यानी कि डूअर। सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में काम को करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, भर का V1 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं या और एस या ES लगाते हैं भर के किसी भी फॉर्म में। कब? जब जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में अगर सब्जेक्ट होगा तो वहां पे सिर्फ हम भर में एस या ES ऐड करेंगे, अदरवाइज किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद होगा अदर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम कब इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे कैसे पहचाना जाए कि ये कौन से टेंस का है। अब मैं खाता हूँ जैसे ही हमने बोला तो यहाँ पे खाता ता आया, क्रिया के लास्ट में ता आया, इसका मतलब वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, इंडिफिनिट तो क्लियर हो गया, ता है तो इंडिफिनिट होगा। अब प्रेजेंट है कि नहीं है? मैं खाता हूँ। अब हूँ जैसे ही आ गया तो मैंने पहले ही बता दिया था पहले वीडियो लेक्चर में, है, हूँ और हो आता है तो प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का क्वेश्चन आ गया, तो हम कैसे बनाएंगे? मैं खाता हूँ, अब मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है, और पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे? पहले आई लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं खाता हूँ, अब खाने का इंग्लिश क्या होता है आपको पता है? ईट। अब आप बोल रहे हो सर एस या ES भी तो लगाना है। नहीं, ES और S कब लगाना है? जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म। आपको पर्सन पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में होता है आई सिंगुलर में, और प्लूरल में होता है वी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है यू। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या आता है? ही, शी, इट और कोई भी नाम, और थर्ड पर्सन के प्लूरल में आता है दे और द या दीज या दोज, ये सभी वर्ड्स क्या आते हैं? थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होगा तो वहां पे हम वर्ब में एस या ES लगाएंगे। अब कहाँ पे एस, कहाँ पे ES, ये आप समझ लीजिए। जब लास्ट में वर्ब के जब लास्ट में ओ होगा तो वहां पे ES लगाते हैं, जब वर्ब के लास्ट में ओ होगा तो वहां पे ES लगाते हैं, जब लास्ट में किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई होगा और वाई के पहले कोई भी वोवेल होगा तो उसमें एस लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंसेस के क्वेश्चंस को, हम नकारात्मक शब्द वाले सेंटेंसेस जब आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप समझते हैं सबसे पहले क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का भी वन फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पे भी याद रखना है कि कब हम डज का इस्तेमाल करेंगे, कब हम यहाँ पे डू का इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हमेशा डज का। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट या कोई भी नाम को हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, तो उसके साथ हमेशा डज का इस्तेमाल करना है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल करना है। कब करना है, जब सेंटेंस निगेटिव होगा, नहीं आएगा, ठीक है। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। क्यों डज नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन जब भी आ गया, सिंगुलर आ गया, तो उसके साथ निगेटिव में डज लगाते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब तीसरा टाइप होता है सेंटेंस का इंट्रोगेटिव, जब सेंटेंस में कोई बात पूछा जाता है, यानी कि जब कोई सेंटेंस में किसी बात को पूछा जाता है, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वैसे को वैसा सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंसेस वाले सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे समझिए आप। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं WH क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली के वर्ड्स होंगे, तो WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, हु आते हैं, वॉट आते हैं, हाउ आते हैं, यानी कि कोई भी वर्ड जिससे क्वेश्चन को पूछते हैं तो वो WH फैमिली के से बिलोंग करते हैं, जो वर्ड W से बिलोंग करते हैं या फिर WH से बिलोंग करते हैं या हाउ, ये सभी वर्ड्स WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो पहले WH फैमिली से जब भी क्वेश्चन होगा तो ऐसा होगा, फिर डज, फिर डू। अब डज का इस्तेमाल कब करेंगे, डू का इस्तेमाल कब करेंगे, डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होगा तो डस का करेंगे, अदरवाइज किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ डू का करेंगे, और फिर नॉट लगा देंगे उसमें। भर्ब का तो भी वन फॉर्म रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कभी भी कोई भी भर्ब का दूसरा फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन अब इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि अब कि कैसे आप किसी भी सेंटेंसेस को आप सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इस तीनों टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, मैंने कोशिश किया है जितना भी आपसे आपके मन में कन्फ्यूजन है उन सभी को मैं इस टॉपिक के जरिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें आप कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन मैं नहीं, आप बनाएंगे, मैं तो बनाऊंगा, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करिए। अगर आप पेन पेंसिल लेके बैठे हुए हैं तो आप पहले खुद लिखिए, नहीं तो फिर मन में सोचिए या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राम स्कूल जाता है, अब ये कौन सा, सबसे पहले आपको ढूंढना ये कि सेंटेंस कौन सा है। तो आपको पता है ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस सर ने बताया था, क्यों बताया था, क्योंकि सेंटेंस में ना तो नहीं है, ना तो ना है, और ना तो क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो सिंपल सेंटेंसेस बोल रहा है कि राम स्कूल जाता है। अब ये टेंस कौन सा है, अब ये भी देख लेते हैं। ये तो प्रेजेंट टेंस है, कंफर्म प्रेजेंट टेंस है क्योंकि है आ गया। अब प्रेजेंट टेंस का कौन सा टाइप है, तो इंडिफिनिट है क्योंकि ता आ गया, ठीक है। चलो अब इसको बनाते हैं, क्या था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, कौन स्कूल जाता है, राम जाता है, तो राम, अब राम के साथ क्या लगेगा, वर्ब। अब जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। अब क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, क्योंकि राम थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां पे वर्ब के साथ क्या लगाते थे, एस आई एस, कब एस, कब ई एस, मैंने बताया आपको जब लास्ट में ओ होगा तो यस, राम गोस। अब राम कहां जाता है, राम गोस टू स्कूल। अब जब भी हम कहीं जाते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं तो वहां उससे पहले हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, टू स्कूल, टू कोचिंग, टू पटना, टू दिल्ली, टू मुंबई, टू कोलकाता। जब भी कहीं भी जाएंगे तो उसके बाद वर्ब के पास हमेशा टू लगाते हैं कहीं को जाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमन घर नहीं आता है। अब ये किस सेंटेंस से क्वेश्चन है, निगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको पहचानने में कि ये प्रेजेंट टेंस है और ये इंडिफिनिट है। कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपके सामने है। तो सब्जेक्ट कौन नहीं घर जाता है, अमन। अमन, अमन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे डज लगाएंगे कि डू लगाएंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन जब भी होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। अमन डज, फिर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बिल्कुल नॉट लगाएंगे। अमन डज नॉट, या फिर आप ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में भी मॉडर्न इंग्लिश में डजंट भी बोलते हैं, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में डजंट भी बोल सकते हैं या फिर डज नॉट भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसको आप ये इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। अमन डजंट घर नहीं जाता, डजंट
अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या हो गया, पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद वर्ब क्या है, जाना। अब जाने में क्या होता है, गो हो जाएगा, राम डजंट गो। अब कहाँ जाता है, घर, डजंट गोज टू होम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन है, क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो ये सेंटेंस किससे है, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भूल जाइए। आप फिर बताइए मैं पढ़ता हूँ का क्या होता है इंग्लिश, मैं पढ़ता हूँ का क्या होता है, आई रीड होता है, बिल्कुल आई रीड होता है, मैं पढ़ता हूँ आई रीड होता है। लेकिन क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब का वी1 फॉर्म आता है। तो यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा, डज डू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डू आई रीड, डू आई, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई। सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे डू क्यों लगाए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, अगर फर्स्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता तो डज आई रीड होता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग करता है, वह क्यों खेलता है। अब आपको कैसे आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली से है और कौन सा डब्ल्यू एच फैमिली से नहीं है। वैसा सेंटेंसेस जिसका जवाब क्या मैं पढ़ता हूँ, जिसका जवाब हाँ और ना में आप दे सकते हैं, वो डब्ल्यू एच फैमिली से नहीं है। और जिसका जवाब आप हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं, वो डब्ल्यू एच फैमिली से है। जैसे कि यहाँ पे वह क्यों खेलता है, अब वहाँ क्यों खेलता है, तो इसका जवाब कभी भी हाँ या में नहीं दे सकते, हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्योंकि मुझे खेलना पसंद है इसीलिए मैं क्या करता हूँ, खेलता हूँ। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली में क्या होता है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, तो क्यों का क्या होता है इंग्लिश, क्यों का होता है वाई, वाई, उसके बाद डज या डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में वह कौन नहीं खेलता है, वह, वह यानी कि ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, डज लगता है, वाई डज। उसके बाद क्या लगता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वाई डज ही, वह क्यों खेलता है, वाई डज ही प्ले, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, वाई डज ही प्लेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम क्यों नहीं हंसते हो। अब इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन आपको बनाना है और इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका है आज का होमवर्क, कि आपने इस वीडियो लेक्चर में अभी तक मैंने जो आपको बताया है, क्या आपको अभी भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसका जवाब देना बिल्कुल ना भूलें कि तुम क्यों नहीं हंसते हो। बड़ा ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले अगर डब्ल्यू एच फैमिली से कोई वर्ड है तो उसको लिख लेना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, नॉट का इस्तेमाल करना है, वर्ब का वी1 फॉर्म इस्तेमाल करना है, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स का भी इस्तेमाल करना है अगर होगा तो। इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको टेंस में होती है प्रॉब्लम। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आपको मिलती रहेंगी रोज नई नई मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।